नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में युवक को गंभीर चोटें पहुंची थी, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान ही युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव की बताई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद शहीद पिता हकीम बख्श उम्र 40 वर्ष निवासी हरदुआ थाना सिमरिया के देवीदाई मंदिर के पास खड़ा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद अबू, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद युवराज और मोहम्मद रफी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उस पर प्राणघातक हमला कर दिया। बताया जाता है कि गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान सभी एक राय होकर शहीद के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं सिमरिया पुलिस ने 307, 294, 323, 506 और 34 की धाराओं के तहत अपराध को पंजीबद्ध किया था, जिसने मौत के बाद हत्या की धारा 302 बढ़ा दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। इनको मारा गया था, घायल थे, संजय गांधी अस्पताल में ले गए थे। इनकी दवाई उपचार हुई, उसके बाद इनको मौत हो गई। और जो मारे थे उन लोग भी अभी घर में हैं, उन लोगों के पास भी कोई इंजेक्शन नहीं है। इनका जो मारे हैं पीछे पीछे थाने का फोर्स भी लगा हुआ है, सबका सबको पकड़ लेंगे। और ऐसे रखना ठीक नहीं है कि सबकी गर्मा होती है। सर, हम ये चाहते हैं आपसे, तेईस तारीख को हम जिनके यहाँ घर में घुस गए, इनको मारा गया था, घायल थे, संजय गांधी अस्पताल में ले गए थे। इनकी दवाई उपचार हुई, उसके बाद इनको मौत हो गई। और जो मारे थे उन लोग भी अभी घर में हैं, उन लोगों का भी कोई इंजेक्शन नहीं है। नाम क्या है इनका? जो मारे हैं सब, इन लोगों की चोटें लगी थी और इन लोग डरे हुए। चलो कोई बात नहीं, हमको बता दिया है। बताओ क्या है पूरा मामला? हरदुआ गांव की उस्मान रहने वाले हैं, रात को अपने घर में थे। करीब इनके 10-11 लोग आए, जो गाली गलौज करने लगे। ये बाहर निकले, उन लोग धारदार हथियार लिए थे और राठी डंडा रॉड और सब लिए थे। ये जब बाहर निकले तो उन लोगों ने इन पर हमला कर दिया। उनके पड़ोसी जो हैं वो सब बाहर निकल के आए, तब तक में इन उन लोगों को भी मारने लगे। इतने और मारते हुए इन गाली गलौज देते हुए चले गए। ये 23 तारीख को शाम की बात है, 23 तारीख से लेके अभी तक 25 तारीख तक इनकी आज डेट हो गई है। इस तक अभी तो पुलिस रिपोर्ट तो लिख ली थी, मगर उन लोग घर में आराम से रहते रहे, कोई उन पर कोई वो नहीं हुआ था। और इन लोगों के घर में जाके इतना गाली गलौज कर रहे थे, पुलिस वहाँ अभी नहीं पहुँची थी। आज जब इनकी डेट हो गई तो यहाँ एसपी ऑफिस के पास हम लोग लाए, घेराव किए। एसपी साहब ने हम लोगों को तो दिलासा दिया है। अब देखता यह है कि करते हैं कि नहीं करते हैं, अब ये इनके ऊपर है। हम लोग तो इन्हीं लोग से उम्मीद लगाए हैं, इसीलिए यहाँ लेके आए हैं। मारपीट की वजह क्या है? मारपीट की वजह यह है भैया कि पुरानी रंजिशों की वजह से इन लोग अभी फाइनल नहीं हो पाया, मगर पुरानी रंजिश की वजह से इन लोग को मारे हैं। आरोपियों का नाम बता दीजिए। आरोपियों के नाम ये इनके पिता को लगा। रामलाल और बालक और प्रगाश पटेल, उसके मारने से मेरे लड़का के हत्या हुई। तलवार मार दी थी इनके पुतड़ी में। और इद्दू है, इद्दू का लड़का छंगा है, पप्पू वकर भाई है। और जिब्राइल और एक भाई का क्या नाम है उसका, सिमरिया से कार आई थी और गुंडा बुलाया थे दारू पिया के पैसा दे के। कुल लगभग कितने आरोपी रहे होंगे, मारने वाले कितने? 10-12 लोग रहे हैं। 10-12 लोग और कम से कम 150 आदमी गांव के जुड़े रहे, कोई पकड़ा नहीं है। मृतक का नाम बता दिए जी। मृतक का नाम मोहम्मद उस्मान। आपका क्या नाम है? मेरा लड़का मोहम्मद मकबूल। किस थाने का ये मामला है? सिमरिया थाना है। गाँव कौन सा है? हरदुआ। एक घटना हुई है, उसके संबंध में कुछ बताना चाहेंगे आप? परसों सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दो परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े का मूल कारण उनका व्यापारिक तनाव अभी तक की विवेचना में ज्ञात हुआ है। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, इसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट कराया। रीवा में उसका इलाज भी चल रहा था, आज उसकी डेथ हो गई। इस दौरान वहाँ पर हमारे SDP सिरमौर के नेतृत्व में 3 थाना प्रभारी लगातार दबिश दे रहे थे, उसमें एक मुख्य आरोपी हमको मिल गया है, प्लस एक आरोपी जो नाबालिग है वो भी हमने राउंड अप कर लिया है। और इसके अलावा बाकी लोगों को पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं।
सर घटना की वजह क्या थी सर? घटना की वजह अभी तक की विवेचना में यह आया है, कुछ इनका व्यापारिक प्रतिद्वंदता थी, उसको लेके कुछ तनाव व्याप्त था। अब व्यापार क्या था इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा क्लियर हो पाएगा। सर आरोपी कितने? नशे का कुछ ऐसा कारोबार इनके? मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक दौर में है, इसमें अभी जो जानकारियां मिली हैं तो व्यापारिक तनाव का बात तो आई है, परंतु किस विषय को लेके व्यापारिक प्रतिबंधता थी, तनाव था, ये अभी क्लियर होना शेष है। सर अभी कितने आरोपी मतलब पकड़े गए, कितने बाकी हैं? कुल 6 आरोपी इस घटना में हैं, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, दूसरे को भी पकड़ लिया है, वो नाबालिग है, और बाकी 4 लोग रह गए, इनके लिए लगातार हमारी टीमें प्रयासरत हैं। सर सब लेके यहाँ SP कार्यालय पहुँच गए थे, यहाँ रख दिया। अभी आपने देखा कि उनके परिवार के लोग आए थे, उन्हें किसी कारण से इस बात का जानकारी नहीं था कि उनका प्रकरण ऑलरेडी गंभीर धाराओं में दर्ज हो चुका है, साथ ही 2 लोग राउंडअप हो चुके हैं, इसकी जानकारी उनको नहीं थी, और पुलिस लगातार प्रयासरत है। जब उनको इस बात की जानकारी दी गई और वो संतुष्ट हो गए और तत्काल अपना शव को लेकर यहाँ चले गए हैं, और लगातार हम उनके संपर्क में भी हैं, जिससे कोई उनको और समस्या आती है तो हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।